गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के 15,000 कार्यकर्ता एक एक विधानसभा में तैनात करने को लेकर कहा कि विपक्ष में पूरे मध्य प्रदेश में 15,000 कार्यकर्ता नहीं है। कांग्रेस कल्पनाओं के स्वर्ग में विचरण कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर नरोत्तम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस में गांधी परिवार को छोड़कर कोई तीसरा अध्यक्ष नहीं बन सकता। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर भी तंज कसते हुए कहा कि जब खेतों में बोनी हो गई है तब इनको यूरिया खाद की याद आई है, पर ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के अलावा कोई तीसरा अध्यक्ष बन ही नहीं सकता। उन्होंने वेबिनार पर कांग्रेस की टिप्पणी को लेकर कहा कि यह आश्चर्य का विषय है कि इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वेबिनार का आयोजन समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए किया जा रहा है। कमलनाथ के अर्जुन वाले वायरल पोस्टर को लेकर नरोत्तम ने कहा कि जो हालत कांग्रेस की है वैसी तो अर्जुन की नहीं थी। उन्होंने विधानसभा में 20 इंचार्ज बनाने को लेकर कहा कि इंचार्ज बनाने के लिए पहले कांग्रेस 20 लोग तो इकट्ठा कर ले। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कल्पनाओं के सब्ज बाग दिखाने का काम कांग्रेस कर रही है। नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा को लेकर कहा कि हमारी पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, कोई भी पार्टी हाईकमान से मिल सकता है। वो किसी तीसरे को बना ही नहीं सकते। दौड़ में एक लड़का फर्स्ट आया तो दूसरे ने पूछा सेकंड कौन आया, बोले नहीं दौड़ा ही अकेला था तो फर्स्ट तो आना ही था। कृष्ण जन्माष्टमी है, वो तो उनमें से ही कोई बनना है। सोनिया जी बन जाए, राहुल जी बन जाए, गोविंद जी की मखनी, गोविंद जी को घी, गोविंद जी से ले वो गोविंद जी को दे। आत्मनिर्भर भारत के लिए जो रोड मैप तैयार किया गया है 25 तारीख तक आप लोगों को एक ड्राफ्ट पेश करना है, कुछ मंत्रियों का समूह भी बनाया गया है। लगभग अलग अलग समूह है, 4 समूह बने हुए हैं और सभी मंत्री किसी न किसी समूह में शामिल हैं और सबको 25 तारीख तक ये जो वेबिनार में सुझाव विद्वानों के आए हैं, विषय विशेषज्ञों के आए हैं, इस और जनता के द्वारा भी जो आए हैं, इन सब का जो निचोड़ है वो मंत्रिमंडल समूह माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री के सामने 25 तारीख के पहले रखेगा। अर्जुन ने ऐसी हालत तो नहीं की थी सेना की जैसी हो गई है, पता नहीं छापने वाले ने छाप दिए शायद मिलन के साथ बिछोड़े, अन्यथा कभी इस रूप में तो नहीं छापते। अरे 20 तो हो तब तो इंचार्ज बनेगा। कल्पनाओं के सब्ज बाग दिखाने से कोई कार्यकर्ता में ताकत थोड़ी आने वाली है। ऐसे स्वर्ग में विचरण कर क्यों रहे हैं वो? पूरे मध्य प्रदेश में ही 15,000 नहीं बचे, एक एक विधानसभा में कहाँ से 15,000 लाएंगे? हमारी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है कि साधारण कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल लेता है, चाहे जब मिल लेता है। बाकी के दलों में ये व्यवस्था है ही नहीं तो बाकी लोग क्या जाने इसको। हम लगातार मिलते रहते हैं, उसी क्रम में आदरणीय दीपक भाई साहब गए। नरोत्तम मिश्रा ने सभी प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी और कहा कृष्ण की वाणी से चारों वेदों की रचना हुई है। कोरोना के रैपिड टेस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी वजह से कोरोना संक्रमण थमने लगा है, अब 100 से नीचे केस आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन। विश्व के रचैया है, पलैया है चराचर के, आज उनका जन्म है, उनको सादर नमन है। जाकी बाड़ी सो निकसत है चारों वेद, ऐसे श्री कृष्ण को नमन। आज बहुत पुनीत और पावन दिन है, आप सभी को उसकी शुभकामना। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।